એમાં ખેડૂતો પછી આ નથી મળતી એટલે એના ઓછા ઓછા 5-7 ચાર ગાડી ધરવાની શકે એટલે ટોટલ તો અમારે જે ખેતર બાગાઈ જ કે ભાઈ અને એવી ઘણી દવાઓ શું જ્યારે કાબુમાં ન લેવાય ત્યાં લગી કોઈ વસ્તુ થવાની નથી એમાં બીજા આ દવાનો ઉપયોગ કોબી વૈગણ ફુલાવર અને ભીંડા આ બધી વસ્તુમાં બકાલામાં તમને બહુ છટાય છે અને એ બકાળું તમે કહું તમને ફર્સ્ટ ક્લાસ તમે ગોતીને ખાવા માટે એમાં એ દવાનું આટલું બધું હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ દવાનું વધારે વધારે પ્રમાણ હોય તો જ થાય અને એ દવાને આ બધું આ બધી પબ્લિક બકાળું ખાય છે તો આ શું થવાનું છે પરિસ્થિતિ એટલે જે આ રોગ આવ્યા છે વાયરસના છે જો આટલી દવાથી કામ નથી કરતું અને પબ્લિક ખાય છે કોઈ સમજતા નથી તો આ થવાનું છે ખરેખર આનું સાચું સંશોધન હોવું જોઈએ આ બીટી બિયારણ જે તે વખતે હતું ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ આવતો જ નહોતો માહિતી કોઈ ગ્રામ છે ખેતીવાડી ના અધિકારી અત્યાર સુધી કોઈ કોઈ ના ખેતરે પૂજ્યા નથી અને કોઈ કોઈ સંશોધન કર્યું નથી આ વસ્તુ માહિતી પણ આ તેલ ખાય ને એટલે માણસો તો છે ને કોઈ પણ પ્રકાર વાયરસ ને જો ખાલી આમ જેતેથી એના ઓલું જોઈએ ને નીકળી જતા હોય તો આ તેલ ખાવાથી શું થાય બરોબર છે આ રૂમ માં કપાસ ભીલો છે રૂમ પેક છે તમે અહીંયા બેઠા હો રૂમ પેક જ છે ઓલરેડી સંશોધન નથી અને આ બધી હલકી ગુણવત્તા વાળું માણસોને પોહાતું નથી એટલે આ બધે આ તેલ જ ખાય છે અબ કિતની સિરિયસ બાત હૈ કે મેં ભી અમરેલી મેં હું 5 માર્ચ 2020 મેં આ ઇસ એરિયા મેં પિંક બોલવર્મ નામ કા જો રોગ હૈ ઇતના બડા પ્રોબ્લમ કર ચુકા હૈ ઓર યે રોગ સિર્ફ ગુજરાત મેં નહીં હૈ ગુજરાત જૈસે પ્રગતિશીલ રાજ્ય મેં ઇસ રોગ કા હોના और उसका कोई सोल्यूशन न होना ये बहुत बड़ी बात है और मेरे साथ में महाराष्ट्र के किसान हैं मैं अभी तेलंगाना जाके आया कर्नाटक में हमारे प्रतिनिधि है सब जगह इस रोग का इतना उपद्रव है और ये अक्टूबर नवंबर से दिखना शुरू होता है और अमरेली के तो कुछ एरिया में जैसे अभी मैं किसानों से बात कर रहा हूँ पहले पिकिंग पे ही उसने अटैक किया जिसने अर्ली सोइंग की थी और काफ़ी नुकसान किया है अब किसान ने कितनी बड़ी बात बताई यहाँ पे कि ये पिंक बॉलवर्म जो है ये रोग आगे से ये हमें जो दिखता है वो नुकसान तो कपास का है लेकिन जो नहीं दिखता है इस कपास में से तेल बनता है और वो तेल बहुत सी खाने की चीज़ों में यूज़ होता है क्योंकि वो सस्ता होता है कॉमन मैन उसको यूज करता है वो तेल इन पिंक बॉलवर्म के डैमेज बॉल से
सीड से निकला हुआ जो तेल है अपने पेट में डायरेक्ट जाता है तो कितना बड़ा स्वास्थ्य के लिए वो जोखिम है। दूसरा उस इस सीड को जो प्रोसेस करके ऑयल केक बनता है वो हमारे गाय भैंसों के पेट में जाता है, जानवरों के पेट में जाता है, उसका हम फोड़ जिसको बोलते हैं उसका हम दूध पीते हैं, उसमें कितना जोखिम। हम छोटे बच्चों को, बीमारों को और बुजुर्गों को खास दूध पिलाते हैं दवाई के साथ में, तो क्या ये दवा है या जहर है, तो ये कितना बड़ा जोखिम है। दूसरा इसका इलाज तो अभी पिंक बॉलबम का नहीं मिला है, लेकिन पिंक बॉलबम अभी एक और बात बताई कि एक रूम में रख देते हैं कॉर्नर में और हम उस रूम में बैठे हैं रूम को बंद करके, तो भी चमड़ी में खुद ही आना शुरू हो जाती है और ऐसे बुरी तरह इसमें जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी पिकिंग के वर्कर हैं, हार्वेस्टिंग के वर्कर हैं या जो दवाई देने वाले वर्कर हैं और जो किसान खुद हैं, उनको चमड़ी के ऐसे रोग हो चुके हैं कि उनका भी उसका भी कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। तो क्या हम खुली आँख करके सो रहे हैं? किसान की इतनी सारी तकलीफ क्या हमें नहीं दिख रही है? किसान जिस पैशन से बात कर रहा है क्या सुनने वाला कोई नहीं है? हम ये बात सरकारी अधिकारी को भी बताने वाले हैं, ये बात सरकार तक भी ले जाएंगे। गौतम गुरु का ये प्रयास होगा कि ये काम जो है ये मूल है, कपास को अगर बचाना है, जीनिंग इंडस्ट्री को बचाना है, कपड़े की इंडस्ट्री को बचाना है और अपनी ग्रामीण व्यवस्था को अगर बना के रखना है तो इस प्रॉब्लम का निराकरण तुरंत करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि इन बड़े बड़े किसानों में से कोई भी दो तीन साल बाद कपास ले रहे हैं। दो साल में पचास टका मुश्किल हो जाएगा। बराबर है, कॉटन दिखना मुश्किल हो जाएगा। जो कॉटन का बेल्ट है अमरेली या मराठवाड़ा बोलिए महाराष्ट्र में या फिर तेलंगाना में वरंगल बोलिए, जहाँ पे इसका बहुत सारा उपद्रव अभी पिंक बॉलवर्म का हमें दिख रहा है, ये अगर किसान जो 50-100 साल 200 साल से खेती कर रहे हैं वो बोलते हैं कि अब हमें कपास में कोई उम्मीद दिखती नहीं है, कपास में कोई फ्यूचर दिखता नहीं है, रोग किसको चाहिए? खेती आदमी क्यों करता है कि खुद का पेट भरे, दूसरों का पेट भरे और एक संतोष हो दो पैसे मिलने का, लेकिन जहाँ रोग आता है, जहाँ पे पैसे गड़ते जाते हैं, मजदूर आने को तैयार नहीं है। अभी उनके पास जो कपास खेत में खड़ा है ये बोल रहे हैं कि वो मजदूर को बोलते हैं फ्री में ले जाइए, आप आइए हमारे खेत में कपास चुन लीजिए और आप ही बेच दीजिए, फ्री में ले जाइए, तो भी मजदूर आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये परिस्थिति तो बहुत ही दयाजनक परिस्थिति है और बहुत शॉकिंग है कि यहाँ पे काफ़ी कृषि अधिकारी आते जाते होंगे लेकिन क्या उन्होंने देखा नहीं है, देख के उन्होंने आगे बताया नहीं है? तो इस मुद्दे को बहुत ही सीरियस लेना सबके लिए जरूरी है और अगर ये अगली सीजन से पहले इसका कोई अगर ढंग का सॉल्यूशन नहीं आता है कि ये प्रॉब्लम बीज में है, ये प्रॉब्लम दवाई में है या ये प्रॉब्लम हमारी किसी सोच में है, हम क्या गलत कर रहे हैं और कहाँ गलत कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो आज किसान का अस्तित्व ही जोखिम में है।